नमस्कार दोस्तों, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सब ने देखा कि मुंबई के अंदर क्या गंदगी चल रही है। मुंबई के अंदर किस तरीके से एक एपीआई सचिन वाजे गंदे काम कर रहा है, जैसे कि उसने वहां पे जाके गाड़ी रखी स्कॉर्पियो जिसमें उसने जेलेटिन स्टिक्स रखी। तो एनआईए इन दो केस में, जो कि एक मनसुख हिरेन का मर्डर है और एंटीलिया का जो बॉम्ब स्केयर केस है, दोनों में सचिन वाजे को प्राइम सस्पेक्ट मान रही है और अभी ये तलोजा जेल में भी है। आज इनके ड्राइवर का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। जी हाँ, मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है वहां पे इनका दर्ज किया गया मुंबई में, और उसके अंदर सीआरपीसी 164 के तहत है। तो अगर ये कुछ भी बदलाव करते हैं, ये जो कल ट्यूसडे को जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था उसमें अगर कोई भी आगे जाके मुकर जाते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। अब यहां पे देखने वाली चीज ये है दोस्तों कि सचिन वाजे बुरे फंस चुके हैं, लेकिन आगे वाले आका क्या। दूसरा, मैं आपको बता दूं, जो मीना जॉर्ज को गिरफ्तार, जो कस्टडी में लिया गया है एनआईए के द्वारा, जो एक बार गर्ल है थाने की, उनके साथ सचिन वाजे की बहुत नजदीकियां हैं। जी हाँ, सचिन वाजे ने अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़ दिया था किस कारणवश, मीना जॉर्ज के साथ रंगरेलिया करने के लिए। तो ये बार गर्ल के साथ मिलकर ही अपना धंधा कर रहे थे। एनआईए के सामने अब एक चीज है कि सचिन वाजे, जो उनका मानना है कि इस तरह की अगर फिरौतियां कर रहे हैं, इस तरह का अगर रैकेट चला रहे, तो बॉलीवुड में भी वो एक्सटॉर्शन लेता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बॉलीवुड में जब ड्रग्स चल रहा है, एनसीबी अपनी जांच कर रही है, तो सचिन वाजे जैसे एपीआई जो सीआईयू के हेड बन जाते हैं, आप सोचो कि इसको सौंप दिया जाता है सीआईयू का भार, जो कि एक मामूली सा एपीआई है जो आज तक नहीं हुआ, वो हो रहा है अब, और एक क्रिमिनल को सौंपा जा रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार में। तो इसके बाद एनआईए के सामने है कि क्या बॉलीवुड से भी फिरौतियां ली जा रही है, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो प्रोटेक्शन देने का ये जो सिलसिला चल रहा है। तो सीबीआई यहां पे इंडिपेंडेंट जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट देनी थी 20 तारीख जो कि जा चुकी है, लेकिन देखते हैं सीबीआई शायद 2-3 दिन और ले ले। तो यहां पे पूरी दोस्तों एक चीज जो है क्लियर समझ में आ रही है कि सचिन वाजे हर एक गलत चीज में मुंबई में, महाराष्ट्र में जो हो रही है, घटित हो रही है, उसमें सूत्रधार है। बहुत क्लियरली आप सुशांत और दिशा केस से भी इसको दूर नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 जून को इसकी नियुक्ति होती है और 2 दिन के अंदर ही दिशा सल्यान की मृत्यु हो जाती है। अब ये चीजें हैं कि भाई ये भी सुनने को आया कि भाई दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में पुलिस वालों का भी हाथ है। जिस तरह से सबूत मिटा रहे थे, जिस तरह से दिशा सल्यान के केस में पुलिस वाले कह रहे थे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए, जिस तरीके से आपको पता है दिशा सल्यान के केस में जब वो नीचे गिर जाती हैं ऊपर से, जैसा कि बताया गया कि उन्होंने अपना कमरा बंद कर दिया था और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है अपना नल चालू करके, मतलब सुसाइड कर लेती है, जैसा लोगों का वहां पे बताया गया। उनके घर में जो फ्लैट में थे हिमांशु, रोहन रॉय, उनका मंगेतर, दीप, नील और नील की गर्लफ्रेंड, इनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसमें एक दो पॉइंट है दोस्तों जो समझने वाले, कि दिशा सल्यान ऊपर से अगर गिर रही है, सुसाइड कर रही है, इनको लग रहा है वो अपने कमरे में है, सिक्योरिटी गार्ड नीचे है, सिक्योरिटी गार्ड ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया। अब समझने वाली चीज ये है कि बहुत देर बाद जब इनको लगता है कि गेट नहीं खुला, तो इतनी देर में ना पुलिस पहुंचती है ना वो पहुंचते हैं, और ये फिर गेट को तोड़ते हैं और उसके बाद बालकनी में जाते हैं तो नीचे डेड बॉडी दिखाई देती है, नीचे भागते हैं। तो ये इतना जो समय लेते हैं, इस बीच में ना एम्बुलेंस आई ना पुलिस आई, फिर ये अपनी गाड़ी में लेके वहां पे पहुंचते हैं। अब वहां पे बहुत से विटनेस ने कहा, और जैसे कि जो एक पोस्टमार्टम की थोड़ी सी रिपोर्ट आई थी रिपब्लिक की, उसमें कह रहे थे कि उनकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, लेकिन पुलिस बाद में कहती है नहीं, उनकी बॉडी पे कपड़े थे, हमारे पास फोटोज हैं और जरूरत पड़ेगी अगर तो हम वो फोटोज प्रोवाइड करेंगे। बाकी अभी तक तो इन्होंने फोटोज प्रोवाइड नहीं की, और जब बिहार पुलिस जाती है, सबसे अहम बोल तो दिया था उन्होंने कि भैया जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास फोटोज है कि वो न्यूड नहीं थी, उनके शरीर पे कपड़े थे। लेकिन जब बिहार पुलिस जाती है और बोलती है कि उनकी फाइल्स चाहिए हमें, हमें देखना है, तो मुंबई पुलिस कह देती है डिलीट हो गई, क्षमा चाहेंगे बट डिलीट हो गई, हम आपको नहीं दे सकते। तो ये क्या चीजें हैं? एक तरफ आप मीडिया के सामने कहते हो हमारे पास सारे सबूत हैं कि उनके साथ रेप नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, उन्होंने गिर के ही सुसाइड किया, और दूसरी तरफ जब बिहार पुलिस आपसे मांग रही होती तब आप यू टर्न ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ अहम पॉइंट है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देख सकते हो वहां पे फर्जी पुलिस वाले थे, एक राम येलगर करके पुलिस वाला दिखा था जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं, ये क्या दर्शाती है कि एक हाई प्रोफाइल केस में वहां पे मजाक चल रहा था, वहां पे थिएटर आर्टिस्ट शिरकत कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो आज जो सचिन वाजे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अहम भूमिका निभाता है, दिशा सल्यान के केस में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति के बाद ये सारे कांड शुरू हुए। और उद्धव ठाकरे ने इसको जो ये पावर दे रखी थी इतनी ज्यादा कि ये हर संभव हर गलत काम कर रहा था, अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करना जो कि आपने देखा उसी कार में किया गया जो अंबानी के घर के बाहर लगाई, तो ये सारी चीजें इस ओर इशारा करते कि बहुत गलत
कांड चल रहा है। मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैल रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैल रही है, क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो इसको रोकने का समय है। अब देखते हैं क्या रहता है पूरा मामला। बट ये जो ये स्टेटमेंट लिया गया है जो कि सचिन वाजे के खिलाफ है, क्योंकि ये मानना है क्योंकि ड्राइवर जो होता है वो हर वक्त सचिन वाजे के साथ था, वो सचिन वाजे की हर गतिविधियों के बारे में अच्छे से जानता है, तो उसका स्टेटमेंट जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा सचिन वाजे को जेल के अंदर डालने के लिए। बाकी दोस्तों देखना रहता है कि क्या रहता है, जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे दूसरे चैनल DSGT नेटवर्क को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।